मेरे को ऐसा लग रहा है मैं अभी पुराने जमाने में पहुंच चुका हूं। वाह यार, तो यार आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है इस प्यारे से गेम में जिसका नाम है जर्नी। और अगर तुम्हें याद होगा पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने उस ब्रिज को कंस्ट्रक्ट किया था वो कपड़ों की मदद से। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ अगर तुम लोगों ने नोटिस की होगी तो इस गेम में हम लोग के पास कोई इंटरेक्शन का बटन नहीं है। हम ये नोट्स को प्रोड्यूस करके सारी चीज़ें कर रहे हैं। मतलब अगर हमें हमारा वे भी बनाना हो तो हमें सिर्फ अपनी आवाज़ की ज़रूरत है। तो इसके डेवलपर्स ने बहुत ही ध्यान रखा है कि यूज़र को ज़्यादा कष्ट ना हो। मतलब वो सिर्फ इन लोगों ने जो ये मास्टरपीस ये जो विजुअल्स बनाए हैं प्लेयर उसका मज़ा ले पाए और कंट्रोल ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रखे नहीं है। और ये जो उड़ने वाले कपड़े हैं ये हमें टेम्परेरीली एक बड़ी जंप लेने की पावर दे देते हैं। और हमारा मेन एम है वो चमकते हुए माउंटेन तक पहुंचना। इसलिए इस गेम का नाम जर्नी है क्योंकि हम लोग उस माउंटेन की पीक तक एक जर्नी करके जा रहे हैं और वहां तक पहुंचते पहुंचते हमें सारा मसला समझ जाएगा कि हम लोग आखिर हमारा इस गेम में रोल क्या है और एम क्या है इस गेम का आखिर। अरे ये चीज़ बहुत सही है, जब तुम लोग ऐसे नोट प्रोड्यूस करते हो ना तो नीचे का सैंड भी उस सर्कल के साथ मूव होता है। मतलब ये सैंड नहीं है, एक टाइप का चद्दर बिछी हुई है। वाह यार,
तो शायद टाइम आ चुका है स्टोरी का बुरा पार्ट देखने का, क्योंकि यार ये चीज़ें देख के लग तो नहीं रहा यहाँ पे कुछ सही काम हुआ है। यार मुझे अभी तक समझा नहीं है ये जो चीज़ आगे बढ़ रही है ये हर एक कटसीन में दिखाई जा रही है, लेकिन ये है क्या? क्योंकि ये जो मूविंग चीज़ जिसको भी छू रही है ना वो ग्लो अप हुए जा रहा है, और ऐसा लग रहा है कि इन लोगों ने अपनी कॉलोनी को बहुत ही ज़्यादा एक्सपांड कर लिया है और सब कुछ सही चल रहा है यार। अभी तक तो स्टोरी में मुझे इतना ही समझा है कि इन लोगों की एक पूरी कॉलोनी थी जो ये माउंटेन की शाइन है उसके वजह से इन लोग शायद जन्म लिए हैं और फिर उन लोग एक्सपांड करते चले गए अपनी कॉलोनी को, अपने सिविलाइजेशन को। बस यार अभी तक तो इतना ही समझा है मुझे, लेकिन अब अभी कहाँ जाने वाले अपन? ओहो तो अभी तुम विटनेस करने जाने वाले हो इस गेम का सबसे सैटिस्फाइंग और सबसे अच्छा पार्ट, ये डेजर्ट पे अपन जो स्कीइंग कर रहे हैं इसे देखने का और खेलने का मजा ही अलग है यार। भाई कितना स्मूथ बनाया है इन्होंने, अपन आवाज करते करते जाएंगे यार, अपन खुश है चाहे जो कुछ भी हो अपने साथ आगे, इस प्रेजेंट मोमेंट को जिएंगे यार अपन। क्योंकि लोग अक्सर यही गलती करते हैं कि हमेशा पास्ट और फ्यूचर को लेकर हमेशा चिंतित रहते हैं, टेंशन लेते रहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि उन दोनों की चीज़ें सोचने से कुछ होने तो वाला है नहीं। ओके
सके, मुझे बूस्ट चाहिए नहीं तो मैं वहां तक नहीं पहुंच पाऊंगा। और शायद फिर से वक्त है स्कीइंग करने का। आई लव दिस यार। तो मैं बस तुम्हें यही कहना चाहता हूँ कि अपने प्रेजेंट को एंजॉय करो, बाकी चीजें सब बेकार है यार। अपने प्रेजेंट में जितना काम करना है, जितने मजे करने हैं, सब अभी कर लो, क्योंकि पता नहीं यार तुम लोग कल जिंदा हो या नहीं। मैं तो ऐसे ही चलता हूँ यार, मैं यही सोच के चलता हूँ कि भाई अपन कल तो मरने वाले हैं और बस आज सब कुछ दे देना है। अगर तुम ऐसे काम करोगे ना, सबसे आगे निकल जाओगे। मेरे को ऐसा लग रहा है मैं अभी पुराने जमाने में पहुंच चुका हूं। वाओ यार, इसके विजुअल्स को कोई बीट नहीं कर सकता। मतलब ये ऐसे वाले गेम है यार कि ग्राफिक्स सिंपल और बेसिक भी है लेकिन सबसे सुंदर भी है।